हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का दिन दीदी जो है वो शाम को हम लोगों को लेकर के निकली थी थोड़ा इलाहाबाद का वेगा बॉन्डिंग करवाने के लिए। तो दीदी सिविल लाइंस में रहती हैं और जो भी लोग इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं वो समझ पाएंगे कि सिविल लाइंस में एक बहुत ही फेमस हनुमान मंदिर है। तो दीदी हमें वहाँ विजिट कराने के लिए लेकर के गई थी। तो बहुत ही सुंदर मंदिर था और मंदिर के दर्शन के बाद तुरंत हम लोग निकल गए थे। सिविल लाइंस में ही एक कंपनी पार्क है वहाँ के लिए। वो पार्क काफ़ी खूबसूरत है और वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले हैं, तो बच्चों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। दो हमें कंपनी पार्क पहुँचते पहुँचते थोड़ा शाम हो गया था, इसलिए बहुत अच्छा फुटेज मैं नहीं ले पाई हूँ, लेकिन फिर भी एक हल्का सा ग्लिम्स देने के लिए फुटेज काफ़ी है। तो हम लोगों ने वहाँ पे किया थोड़ा टाइम स्पेंड, बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई थी, लेकिन हाँ फिर भी 6:30-7 बज गया था। तो बच्चों ने फटाफट झूले झूले जो भी उनके लायक थे और हम लोग भी साइड में खड़े होकर के वहाँ के चना जोर और ये सब खा रहे थे। तो अच्छा टाइम था, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, क्योंकि कम समय में जितना दीदी घुमा सकती थी उन्होंने मैं घुमाया। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम लोग निकले वहाँ से मॉल के लिए। थोड़ा मॉल में भी इंजॉय किया, कुछ खाया पिया और इंजॉय किया। उसके बाद इसी मस्ती मजाक में निकल गया हमारा आज वाला दिन। हम घर गए, एंजॉय किए, बातचीत किए और आज का दिन ख़त्म। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। फिर आया हमारा दूसरा दिन और फिर दूसरे ही दिन को हम शाम के समय निकले दीदी के साथ बड़े हनुमान जी के मंदिर, जिसे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। जी आप प्रयागराज में हों और मंदिरों के दर्शन न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हर दिन हमारे किसी न किसी मंदिर के दर्शन से ही शुरू होते थे। तो जैसे पिछला दिन जो मैंने अभी आगे वाला वीडियो दिखाया, उसमें जो है हम सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर गए। दूसरे दिन हम बड़े हनुमान जी के मंदिर से अपनी यात्रा को हमने शुरू किया। यहाँ हनुमान जी के दर्शन किए, प्रसाद लिया, परिक्रमा की और उसके बाद दीदी हम लोगों को लेकर के चली गई कटरा, जो कि वहाँ का एक लोकल मार्केट है जहाँ थोक का सामान मिलता है, जैसे रजाइयाँ हो गई, तोशक हो गए, मतलब जो भी थोक के भाव में सामान मिलते हैं वो वहाँ मिलते हैं। अच्छा, ये बड़ा ही क्राउडेड मार्केट है, लेकिन इस क्राउडेड मार्केट में एक दुकान है जो कि पूरे इलाहाबाद में बहुत फेमस है और मेरे ख्याल से हर इलाहाबादी को उस दुकान का नाम मालूम होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर मूलचंद एंड सन्स की मिठाई की दुकान। जी ये जो दुकान है ये कटरा के चौराहे पर एकदम सामने स्थित है और आप देख सकते हैं कि ये कितना क्राउडेड मार्केट है, लेकिन फिर भी इस दुकान में भीड़ हमेशा रहती है। और दीदी ने बताया कि ये बहुत ही फेमस दुकान है मिठाइयों के मामले में। तो हमने पूरा खाना तो नहीं जी, लेकिन जो कुछ अच्छी चीज़ हम लोग टेस्ट कर सकते थे वो हमने किया। जैसे कि यहाँ पर गुड़ का रसगुल्ला बहुत अच्छा मिलता है, छेने के दही बड़े बहुत अच्छे हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। सब तो हम नहीं चख पाए, लेकिन फिर भी इमरती मेरी फेवरेट है तो इमरती को ज़रूर मैंने टेस्ट किया। और मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे कस्टमर थे जो पूड़ी कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी खा रहे थे। तो दीदी ने बताया कि यहाँ की कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी मोस्ट फेमस है। तो हमने थोड़े मज़े लिए, लस्सी वगैरह पिया यहाँ पर, जितना हम खा सकते थे खाया। और फिर यहाँ से हमारी जर्नी फिर शुरू हो गई, रात्रि में इलाहाबाद को भ्रमण करते हुए, एक साइट सीन लेते हुए कि कैसा लगता है इलाहाबाद। तो हम लोग निकले साई धाम मंदिर के लिए और साई धाम मंदिर गए क्योंकि वो दीदी के घर के पास ही पड़ता है और दीदी ने कहा बड़ा अच्छा मंदिर है भैया, तो हम वहां रुके। बड़ा ही सरीन सा क्लाइमेट था, इज जस्ट बिकॉज की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत शांत माहौल था मंदिर का। और बिल्कुल आरती से पहले पहुंचे थे हम लोग, तो जब तक आरती चली हम वहां रहे और उसके बाद निकल गए अपने घर। तो बच्चों ने की खूब मस्ती, रात में इन सब का ये सेशन चलता था मस्ती मजाक का। तो इसी तरीके से हमारे दो दिन खत्म हो गए। होप करती हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।